वीडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको ऐसी जानकारी शेयर करते हैं जो कि आप लोग को चाय पत्ती व्यापार करने में बहुत ही सरल और सुगम होती है। आप लोग कैसे शुरू कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां, आप कितने बजट में शुरू कर सकते हैं, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी जानकारियां आपको हमारे इन वीडियोज के माध्यम से हम लोग देते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए बहुत खास है, तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अब आते हैं हम लोग वीडियो के टॉपिक पे और आपको बताते हैं, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के स्टार्ट में या थंबनेल और टाइटल में देखा होगा कि हम आज बात करने वाले हैं हाउ टू टेस्ट टी, चाय की टेस्टिंग आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे तो चाय की टेस्टिंग करने के वेरियस मीडियम हैं, अगर आप लोग जो हैं काफी दिन से चाय का व्यापार कर रहे हैं तो आप लोग इन सारी प्रक्रियाओं को जानते होंगे, जो कि लीकर टेस्टिंग होता है, आप लोग उसको कैसे थिकनेस को परख सकते हैं, आप लोग कैसे इन्फ्यूजन को देख सकते हैं, आप लोग हर एक चीज को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये चीजें उनके लिए हैं जो कि काफी दिन से इस व्यापार में हैं और फ्रिक्वेंटली वो लोग जो है सैंपल्स टेस्टिंग करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि आप लोग ने अभी अभी शुरू किया है, आप लोग का जो है आप लोग कहीं से 100-200-500 केजी परचेज करनी है या 1000 केजी चाय पत्ती जो है वो परचेज करनी है, तो उस जगह जब आप लोग पहली बार दूसरी बार या पांचवी बार दसवीं बार ही चाय परचेज कर रहे हैं तो वहां पे आपको नहीं पता होता कि आपको लीकर टेस्टिंग कैसे करना है, आपको आइडिया नहीं है लीकर टेस्टिंग का क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरीके से उसको देखना होता है, आप लोग विजुलाइज करके उसको कैसे देख सकते हैं ये भी आपको आइडिया नहीं होता है, आप लोग इन्फ्यूजन से चाय का कैसे परख सकते हैं वो भी आपको आइडिया नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से अपने लिए चाय पत्ती सेलेक्ट करेंगे, ये आज का मेजर टॉपिक है। और ये वाली समस्या से काफी सारे लोग जो है वो जूझते हैं, काफी सारे लोग जो है हमसे डिस्कस करते हैं, हमसे वीडियो फोन के माध्यम से या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि किस तरीके से जब हम लोग पहला परचेस करें, हम लोग फर्स्ट टाइम परचेस करें तो उसको कैसे हम लोग ये परखें कि यही चाय जो है हम लोग को खरीदनी है। तो आप लोग एकदम बिगनर हैं, नए हैं इस फील्ड में तो और चाय पत्ती परचेस कर रहे हैं, तो या तो आप लोग किसी होलसेलर के पास जाके वहां पे आप लोग उनसे टेस्ट करवा सकते हैं, या दूसरा मीडियम ये है कि आप लोग जो है आप एरिया में जो चाय चल रही है सेम अनुपात पे आप लोग आपके एरिया में जो चाय चल रही है, ज्यादा लोग जो है उस चाय को लाइक करते हैं, ज्यादा डिमांड लोग उसी चाय की करते हैं, उस चाय को लीजिए और जहां से आप लोग चाय पत्ती परचेज करना चाहते हैं वहां से आप लोग सैंपल्स लीजिए। उसके बाद में आप लोग सेम एक कप पानी, एक कप दूध और जितनी चाय पत्ती यानी कि एक स्पून या दो स्पून आप उस चाय पत्ती का लीजिए जो आपके मार्केट में ऑलरेडी चल रही है, और जो चाय आप लोग परचेज करना चाहते हैं सेम अनुपात में आप लोग एक कप पानी, एक कप दूध और दो स्पून चाय के वो ले लीजिए। बनाने का प्रोसेस एकदम सेम ही रहेगा, आप लोगों को अदरक वगैरह मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, और दोनों चाय को आप लोग बना के परस्पर पी के चेक करिए या किसी भी डिफरेंट पर्सन को आप लोग पिला के चेक करिए, वहां पे आपको उन दोनों चायों में डिफरेंस नजर आएगा, दोनों चायों में आप लोगों को जो है कलर में डिफरेंस दिखेगा, आपको टेस्ट में डिफरेंस दिखेगा, आपको खुशबू में डिफरेंस दिखेगा, तो वहां से आप लोग इनिशियल लेवल पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो चाय हमारे मार्केट में ऑलरेडी चल रही है वो चाय और जो हम खरीदना चाहते हैं अभी भी किसी भी होलसेलर से जिसके सैंपल हमारे पास आए हैं वो चाय, उन दोनों में कितना डिफरेंस है और कौन सी चाय ज्यादा बेटर हो सकती है। जो चाय आप लोग सैंपल अभी आप लोगों ने डिसाइड किया है वो चाय क्या उसके आसपास पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये आप लोगों को डिसाइड उन सैंपल्स को देख के। मोटा मोटी कंक्लूजन अगर हम इस वीडियो का देखें तो मेरा कहने का ओनली सेंस ये है, जब आप लोग शुरुआत करते हैं इस व्यापार की, आप लोग स्टार्टिंग में जो है चाय परचेज करना चाहते हैं 100 किलो 200 किलो 1000 किलो तक, और आपको आइडिया नहीं है कि हाउ टू टेस्ट टी, तो आप लोग उस चाय को आराम से पिए जैसे घर में रूटीन चाय बनती है वैसे ही सैंपलों को बनवा के और आप लोग पी के चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को 19-20 लगता है या बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो चाय पत्ती के सैंपल्स हैं ये हमारे एरिया में नहीं चलने वाले हैं। एक बार में नहीं समझ में आता, दो बार चेक कर सकते हैं, तीन बार चेक कर सकते हैं, प्रॉपर आप लोगों को इस चीज से समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो पैरामीटर है वो यही है। जब तक आप लोग उस चीज की समझ नहीं है कि लीकर चेक कैसे करते हैं और लीकर में आपको क्या क्या देखना है, इन्फ्यूजन को कैसे चेक करना है, ये सारी चीजें जब तक आपको नहीं पता लगती है तब तक आप लोग जो है इस सिंपल से फॉर्मेट को ही यूज करें जैसे हम लोग करते हैं।
हमारे घर में डेली चाय बनती है दो टाइम तीन टाइम, वैसे ही आप लोग जो सैंपल्स लेके आए हैं उनकी भी आप लोग चाय बनवा के और पी के चेक करिए कि वो कितने सूटेबल है या नहीं। और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए लगातार हमारे केशव ट्रेडिंग कंपनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, देखते रहें लगातार वीडियोस। हम आगे भी टेस्टिंग की पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे कि आप लोग चाय पत्ती की प्रो टेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, आप लोग के लिए कैसे आप लोग चाय पत्ती सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कहीं की भी हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है और वो कोई सभी फ्लेवर की हो सकती है, आप लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग आगे की जो हमारे वीडियोज आने वाले हैं उनको भी लगातार देखते रहें। तो आज के सिलसिले में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।